दोस्तों, हम शॉप लाइसेंस, गुमास्ता लाइसेंस ये कैसे निकाले, इस बारे में आज इस वीडियो में देखेंगे। उसी के साथ में दोस्तों, बहुत सारे हमारे दर्शकों का कमेंट्स था, जो शॉप लाइसेंस की वेबसाइट है ये बंद है, अपने सरकार की साइट काम नहीं कर रही है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है। और हम शॉप लाइसेंस में आज गुमास्ता लाइसेंस पार्टनरशिप का शॉप लाइसेंस कैसे बनाए, इस बारे में इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे जो है, हम अगर सब ये अपने सरकार पोर्टल में लॉगिन करने के बाद में जब हम एनर्जी डिपार्टमेंट के अंदर जाएंगे, तो लेबर और एनर्जी डिपार्टमेंट में, और यहाँ पे शॉप इस्टेब्लिशमेंट में अगर क्लिक करेंगे, प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद में, तो देखो यहाँ पर जो है इस तरह से ये घूम रहा है, लेकिन ये जो साइट है ये ओपन नहीं हो रही है। तो इसके लिए जो है हल क्या है, तो चलो एक दूसरा टैब हम ओपन कर लेते हैं। और ये दूसरे टैब के अंदर lms.mahaonline लेबर मैनेजमेंट सिस्टम, इसे हमें कर लेना है। अभी भी देखो ये जो साइट है ये ओपन नहीं हो रही है। तो ये lms.mahaonline की वेबसाइट के ऊपर हम आ जाएंगे, और इसके ऊपर जो हमने अपने सरकार के ऊपर जो मतलब मैंने आईडी पासवर्ड क्रिएट किया था, वही आईडी और पासवर्ड यहाँ पे हमें डाल के लॉगिन के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो जैसे अभी चलो हम यहाँ पे जो अपने सरकार पे क्रिएट किया हुआ आईडी और पासवर्ड यहाँ पे डालने के बाद में, देखो इस तरह से ये साइट चालू हो गई है। शॉप इस्टेब्लिशमेंट में जाएंगे और यहाँ पे कंफर्म में कर देंगे। तो इस तरह से जो है ये, हम अगर आपको साइट आपकी ओपन नहीं हो रही है तो इस तरह से आप ये साइट ओपन कर सकते हैं। और ये जो है लेबर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की जो इंडिविजुअल साइट है, उसकी लिंक मैं मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में दूंगा, वहां से आप उसे फॉलो कर सकते हो। तो चलो देख लेते हैं अभी हम शॉप लाइसेंस, गुमास्ता लाइसेंस पार्टनरशिप शॉप लाइसेंस कैसे बनाए। हेलो दोस्तों, मैं फिरदौस शेख, डिजिटल बनो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों देखो, अगर हमें गुमास्ता लाइसेंस निकालना है तो उसके लिए अपने सरकार की वेबसाइट पे आना है, और ये अपने सरकार की वेबसाइट की लिंक मैं मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में दूंगा, आप वहां से भी उसे फॉलो कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे अगर आपने पूर्वी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो यहाँ पे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन के ऊपर आपको क्लिक करना है। आपको दो पर्याय दिखेंगे, तो ये ऑप्शन फर्स्ट जो है यह बहुत ईजी है, तो इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। और उसके बाद में फिर यहाँ पे आपका जो बिजनेस है, आपका कारखाना है, आपका जो बिजनेस का जो जिला है वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में फिर जो है आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे दर्ज करना है और सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। तो आपके मोबाइल के ऊपर जो ओटीपी आएगा उसे यहाँ पे आपको लिखना है, और उसके बाद में यहाँ पर देखो यूजर नेम जो है आपको आपकी पसंद का वो क्रिएट करना है। यूजर नेम के अंदर फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे देखो, मैं ये एक यूजर नेम, ये यूजर नेम आप ऐसा मतलब यानी क्रिएट की करें ताकि वो आपको फ्यूचर में आपके मतलब यानी मेमोरी में रहे, आसानी रहे, तो वो उसके अनुरूप आप मतलब है ना यहाँ पर वो यूजर नेम आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। और ये यूजर अवेलेबल है या नहीं इसके लिए चेक यूजर नेम अवेलेबिलिटी, तो यू कैन यूज दिस नंबर, तो ये यूजर नेम आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो उसके बाद में आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, आपका पसंद का पासवर्ड क्रिएट करना है। और पासवर्ड का जो है स्टाइल देखो यहाँ पे citizen@123 दिया गया है एग्जाम्पल के तौर पर, तो उसके अनुरूप आपको जो है पासवर्ड जो है तुम्हारा, जिसके अंदर अपर केस, लोअर केस, न्यूमरिकल वैल्यू, स्पेशल कैरेक्टर, ऐसा जो है 7 कैरेक्टर से और ज़्यादा से ज़्यादा 20 कैरेक्टर का पासवर्ड आपको आपकी पसंद का क्रिएट करना है। वापस कंफर्म पासवर्ड में लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पे अभी हम जो है गुमास्ता पार्टनर का गुमास्ता यहाँ कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो वर्किंग पार्टनर रहेगा उसका नाम लिखना है। जैसे ही हम उसका नाम लिखेंगे तो ये ऑटो मराठी में चला जाएगा। अभी जैसे मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ और उसे टैप दूंगा, तो देखो यहाँ पे जो है आपका मराठी में आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको जन्म तारीख डालना है, और उसके बाद में आई एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करके रजिस्टर्ड पे क्लिक करना है। तो ये इसका मैंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कैसा करते हैं इसका वीडियो बनाया हुआ हूँ, तो आप जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक है, वो देखकर अगर आपको कुछ अड़चन आती है तो वो वीडियो देख ले, ताकि आप रजिस्ट्रेशन आराम से कर सके। तो चलो मेरे पास ऑलरेडी जो है लॉगिन आईडी है, तो मैं उसे क्लिक करता हूँ। तो देखो यहाँ पर जो है ये हमें इस वेबसाइट के वापस से लॉगिन कर लेना है, और यहाँ पर जो है लेफ्ट हैंड के अंदर हमें जो है गुमास्ता के लिए लेबर
इंडस्ट्री लेबर एंड एनर्जी एंड लेबर डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट को क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे सब डिपार्टमेंट है, यहाँ पे लेबर डिपार्टमेंट को क्लिक करेंगे। शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट के रेडियो बटन को क्लिक करना है, प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। तो इस तरह से जो है आपको ये दिखेगा। देखो उसके बाद में यहाँ पे शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट है, अभी यहाँ पर मैंने पूर्वी किया है तो यहाँ पर मुझे ऑलरेडी दिखा रहा है। आप अगर न्यू है तो यहाँ पे आपको ब्लैंक दिखाएगा। अब आपको जो है इसके पहले जो सेल्फ डिक्लेरेशन ये डाउनलोड कर लेना है। तो देखो ये सेल्फ डिक्लेरेशन है, इसे डाउनलोड करके इसके ऊपर साइन करने के बाद में आपको स्कैन करके ये अपलोड के लिए आपको रख लेना है। अब यहाँ पे चलो हम ऑनलाइन अप्लीकेशन करते हैं। अभी यहाँ पे देखो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट, अगर आपका 0 से 9 कामगार है तो ये फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है, 10 या 10 से ज्यादा कामगार है तो ये सेकंड वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। अब चलो मेरे पास में जो है ये 9 कामगार तक है तो यहाँ पर हम ये कंफर्म करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखे, अगर आप 0 से 9 वर्कर्स अगर सिलेक्ट करते हो तो इसका जो है आपको इंटीमेशन लेटर के टाइप में ये गुमास्ता लाइसेंस मतलब इन्हें मिलता है। लेकिन 10 या 10 से ज्यादा का अगर आप मतलब सिलेक्ट करते हो तो आपको इंटीमेशन नहीं, सीधा गुमास्ता सर्टिफिकेट आपको मतलब इन्हें डाउनलोड करने की लिंक अवेलेबल होगी। और ये इंटीमेशन लेटर भी है, सभी जगह काम आता है, जैसे बैंक के अंदर खाता खोलना हो या बैंक से अगर आप लोन वगैरह लेने वाले हो तब भी ये जो है, अगर आपका 0 से 9 वर्कर्स है तो इंटीमेशन लेटर आपको मिलेगा और वो मतलब इन्हें ग्राह्य माना जाता है। तो चलो यहाँ पे हम कन्फर्म पे क्लिक करते हैं। अभी यहाँ पर आपका डिविजन है, आपको डिवीजन, आपका डिवीजन कौन सा है, कोकण, नासिक, पुणे, औरंगाबाद, नागपुर, जो भी डिवीजन है वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में फिर डिस्ट्रिक्ट। अभी यहाँ पे देखो मुंबई सबर्बन, मुंबई, ये मुंबई के जितने भी मतलब इन्हें है, ये मुंबई का जो है उन्होंने अपना खुद का जो है वेबसाइट निर्माण किया है, तो ये मुंबई का यहाँ से ये वेबसाइट से नहीं होगा। तो कोकण डिवीजन में पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, थाने, ये इनका कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे ऑफिस का नेम आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप जिस आपका बिजनेस जो जिले में है वो अगर आप अगर सिलेक्ट करते हो तो उसके अनुरूप उस जिले में जो लेबर डिपार्टमेंट की जितनी ऑफिस है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी और उसके के अंदर से आपके अनुरूप जो ऑफिस आपका है वो उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में फिर यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट का नाम, अभी आपका एस्टेब्लिशमेंट का नाम जो भी है, तो जैसे मैं मेरा डिजिटल बनो डालता हूँ, तो देखो यहाँ पे जैसे ही हमने टाइप टैप दिया तो ये मराठी में ले लेगा। तो इस तरह से जो है आपको आपका स्थापने का नाम लिखना है। उसके बाद में फिर जो है आपको यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन, अगर आपने पूर्वी किया है तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को सिलेक्ट करेंगे तो ये ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, ओल्ड एप्लीकेशन नंबर, ओल्ड रजिस्ट्रेशन डेट और एक्सपायरी डेट। यदि आप न्यू है तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखो यहाँ पे आपका जो है एस्टेब्लिशमेंट का डिटेल्स यहाँ पे आपको फिलअप करना है, जो भी आपका एस्टेब्लिशमेंट का बिल्डिंग का नाम। अब यहाँ पे लिखने के बाद में जब उसको टैप दोगे ऑटो मराठी में आ जाएगा, स्ट्रीट का नाम, लैंडमार्क, एरिया, लोकेलिटी, ये तो आपका जो बिजनेस है उसके अनुरूप यहाँ पे आपका एड्रेस फिलअप करना है। उसके बाद में आपने कब मतलब इन्हें ये व्यवसाय शुरू किया है तो उसके अनुरूप यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, व्यवसाय से स्वरूप क्या है, तो वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद में आपका सेक्टर, पब्लिक सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर है, तो आप जनरली प्राइवेट सेक्टर ही रहता है। और उसके बाद में फिर यहाँ पे आपको कामगार की संख्या, तो आपकी कामगार की संख्या जो भी है वो आप यहाँ पर जो उसको दर्ज करेंगे। और उसके बाद में फिर यहाँ पे शिकाऊ उम्मीदवार, तो यहाँ पे आप अगर आपके फर्म के अंदर शिकाऊ उम्मीदवार है तो आप उसको यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद में अगर कंत्राटी लेबर आपके फर्म के अंदर बिजनेस में है तो फिर आप उसकी संख्या यहाँ पर लिख सकते हो। अगर पार्ट टाइम के अंदर अगर कोई आपके पास में काम करता है तो उसकी संख्या यहाँ पे आपको लिखना है, अगर नहीं है तो आप वहाँ पे 0 कर सकते हो। तो इस तरह से जो है ये आपका लेबर का जो है वो फील्ड है वो आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पर जो है मालक का नाम, एम्प्लॉयर का नाम। अब यहाँ पे देखो हम जो है पार्टनरशिप का गुमास्ता बना रहे हैं तो यहाँ पे एक वर्किंग पार्टनर का हमें नाम लिखना है।
और उसके बाद में फिर यहाँ पे उस वर्किंग पार्टनर का एड्रेस जो है वो हमें यहाँ पे उसके अनुरूप लिखेंगे। अब यहाँ पर जो है मैनेजर का व्यवस्थापक अगर यदि है तो आपको उसका अनुरूप यहाँ पे माहिती भरना है। अगर मैनेजर नहीं है तो ये कॉलम आप ब्लैंक छोड़ेंगे भी तो चल जाएगा। उसके बाद में फिर यहाँ पे आपका एस्टेब्लिशमेंट कैटेगरी, स्थापना है या आपका जो है होटल सीटिंग रेस्टोरेंट है या थिएटर्स सार्वजनिक कर्मनुक का जो है वो है, या तो शॉप है दुकान है या तो फिर रेसिडेंशियल होटल है, तो जो भी है उसका अनुरूप आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो वो सिलेक्ट करने के बाद में फिर देखो यहाँ पर आपको जो है आपके बिजनेस के अनुरूप अगर यहाँ पे आपका कैटेगरी आपको मिलता है तो उसे सिलेक्ट करें। अगर इस कैटेगरी में आपका बिजनेस नहीं आता है तो इतर अदर को सिलेक्ट करना है और वो कैटेगरी आपकी बिजनेस की वो यहाँ पे नमूद कर देना है। उसके बाद में देखो यहाँ पे फिर ये जो तुम्हारा बिजनेस है सेल्फ ओनरशिप वाला है, पार्टनरशिप वाला है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वाला है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जो भी है उसके अनुरूप यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अभी हम पार्टनरशिप के गुमास्ता करने वाले हैं तो यहाँ पे हम पार्टनरशिप सिलेक्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पे जो है तुम्हारे को पार्टनर का डिटेल, आपके जितने भी पार्टनर है, दो पार्टनर है, तीन पार्टनर है, चार है, जितने भी पार्टनर होंगे उनका नाम भी यहाँ पे दर्ज करेंगे, रेसिडेंशियल एड्रेस आधार आपका दर्ज करना है, मोबाइल नंबर करना है और ईमेल आईडी करना है और ऐड के ऊपर क्लिक करना है। जितने भी पार्टनर है उतने सब का ये डिटेल्स आपको फिलअप करना है और ऐड करते जाना है। अभी देखो तुम्हारे जो एस्टेब्लिशमेंट में जो एम्प्लॉयर के फैमिली के अंदर के मेंबर अगर कोई रहेंगे, एम्प्लॉयर यानी अभी समझो ये पार्टनर है, अगर किसी पार्टनर की फैमिली से कोई अगर फैमिली मेंबर अगर वो इसमें कामगार के हैसियत से काम करता है तो उसकी मतलब मैंने यहाँ पे माहिती आपको देना है। अगर नहीं है तो आपको जीरो सिलेक्ट करना है, अगर है तो फिर उसके अनुरूप यहाँ पे आपको माहिती दर्ज करना है। उसके बाद में फिर यहाँ पे आएंगे, यहाँ आई एग्री पे क्लिक करना है और सेव बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो देखो ये हमने सेव करने के बाद में एक बार हमारी सारी माहिती जो है हमें एक बार देख लेना है, हमारा जो पार्टनरशिप की डिटेल और जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट है हमारा बिजनेस है उसकी डिटेल सारी एक बार देख लेना है, उसके बाद में सेव डिटेल। तो देखो यहाँ पे खाली माहिती तपासन व जतन करा ती बदलता है ना, एक बार आपने सेव कर लिया तो उसके बाद में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो इसके बाद में फिर सेव डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखो यह हमें एप्लीकेशन आईडी जो है ये प्राप्त हुई है, तो ओके करेंगे। अभी यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करते हैं उसका डिटेल वीडियो मैंने बनाया हूँ और अगर आपको देखना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे जो है फोटो आपको 160 पिक्सल बाय 200 पिक्सल, विड्थ में 160 पिक्सल चाहिए, विड्थ यानी डेप्थ के अंदर 200 या 212 पिक्सल होना चाहिए और उसकी साइज जो है 5 से लेके 20 के बी के दरमियान होना चाहिए। उसी के तरह सिग्नेचर भी जो है 256 पिक्सल और डेप्थ जो है 164 पिक्सल होना चाहिए और उसकी साइज भी जो है 5 से लेके 20 के बी के दरमियान होना चाहिए। अब ये अपलोड करने के बाद में फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद में फिर देखो आपको जो है आधार कार्ड, अभी हम यहाँ पे पार्टनरशिप का आधार कार्ड कर रहे हैं तो किसी हमने जो रजिस्ट्रेशन करते टाइम में जिस पार्टनर का एक्टिव पार्टनर का नाम लिखा है उसका जो है यहाँ पे आधार कार्ड आपको अपलोड करना है। हमने जो सेल्फ डाउनलोड डिक्लेरेशन डाउनलोड किया है उसे यहाँ पे अपलोड करना है। आपका दुकान का जो फोटो है दर्शनी मतलब यानी फ्रंट साइड से आपको दुकान का फोटो लेना है जिसके ऊपर बोर्ड आपको दिखाई दे और वो बोर्ड के ऊपर मराठी में आपके दुकान का या तो एस्टेब्लिशमेंट का नाम होना जरूरी है। तो अगर आपका मराठी और इंग्लिश या मराठी और अन्य भाषा में है तो भी चल जाएगा, लेकिन मराठी के अंदर जो है आपका दुकान या एस्टेब्लिशमेंट का नाम होना जरूरी है और उसका अनुरूप आपको यहाँ पे फोटो अपलोड कर देना है। उसके बाद में फिर देखो आपके पास में अगर पार्टनरशिप डीड है तो वो अपलोड कर दे या तो फिर आपका जो रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ प्रूफ है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है और उसके बाद में अपलोड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुल हो जाता है तो आपको यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, आप नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड या तो फिर जो है क्यूआर कोड से आपके पास में अगर फोन पे है जो गूगल पे है तो उससे भी आप कर सकते हो। तो ये होने के बाद में फिर आपको ये देखो इस तरह से जो है रिसीट आपको मिलेगी,
तो यहाँ पर देखो ये डाउनलोड इंटीमेशन, देखो अभी हमने जो है 0 से 9 कामगार का ऑप्शन सिलेक्ट किया था, इसके लिए आपको यहाँ पे डाउनलोड इंटीमेशन ये दिखाई दे रहा है। अगर आप 10 या 10 से ज्यादा करोगे तब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन ये डाउनलोड इंटीमेशन भी जो है बैंक के अंदर काम करता है। अगर आपको लोन लेना है या तो आपका करंट अकाउंट खोलना है तब ये मतलब इंटीमेशन लेटर भी आपको चल जाएगा। तो देखो यहाँ पे हमने डाउनलोड कर लिया, ये लिंक हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो है हमारा ये गुमास्ता लाइसेंस हमें यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये देखो यहाँ पे मालक का नाम, दुकान का नाम, उसके बाद में फिर यहाँ पे पार्टनरशिप, जो अभी इसके अंदर इस केस में 2 पार्टनर थे तो यहाँ पे 2 पार्टनर के नाम आपको दिखाई देंगे। तो दोस्तों इस तरह से जो है बड़ा आसान तरीका है, आप भी कर सकते हो। तो आज के लिए हम दोस्तों यहीं रुकेंगे। जय हिंद।